अच्छा मोगे जड़ा खालिस्तान का झंडा लहराया सी उहदे लई पुलिस ने बंदा जिन्हें लहराया सी वह फड़ लिया जी फिर। जी गिल साहब, देखो पुलिस ने दावा किया भी असीं दिल्ली तो फड़े ने दोनों नौजवान, क्योंकि दो नौजवानों के नाँ ने जिहड़े वो आए थे मोगा जिले के पिंड रौली के, जसपाल सिंह ते इंदरजीत सिंह गिल का, इन्हां च एक इंस्पैक्टर का मुंडा है पुलिस वाले का, और इन्हां दोनों नौजवानों तो अलावा एक नौजवान की भूआ का मुंडा इन्हां चों जिहड़ा अर्शदीप सिंह है 19 सालों का ITI का स्टूडेंट है, वह पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। तो हुण पुलिस ने दावा किया भी ये दोनों नौजवान दिल्ली तो फड़े ने करनाल नेड़ियों, और इन्हां दोनों नूं मोगा पुलिस लिया जी, मोगा पुलिस ने लिया के अदालत च पेश करके 5 सितंबर तक का पुलिस रिमांड आ जिहड़ा इन्हां दा लै लिया गा, और पुलिस रिमांड लैके हुण इन्हां नूं जिहड़ा रिड़कना शुरू करूगी। इस तों इलावा गिल साहब गिद्दड़वाहा नेड़े पिंड पैंदा हुसनर, उत्थे भी खालिस्तानी झंडा लहराया गया सी, उत्थे भी दो नौजवानों नूं गिरफ्तार कर लिया गया गा। कल ही भुच्चो मंडी दे विच नैशनल हाईवे दे उत्ते इक थां जिहड़ा नैश फिर झंडा खालिस्तानी चढ़ा दिता गया, और उत्थे भी फड़ो फड़ी का दौर है जिहड़ा शुरू होने वाला है। सो यह मसला बड़ा गंभीर बन रहा है कि खालिस्तान का झंडा लहरा दिया जाता कोई, और उस तो बाद नौजवानों की फड़ो फड़ी हो जाती है, बहुत सख्त धरावान उन्होंने उत्ते मढ़ दित्तियां जांदियां ने, पूरे परिवार को परेशान किया जाता है। हालांकि ये कोई बहुत वड्डी गल नहीं है, इहदे नाल साडे देश की सुरक्षा को खतरा नहीं खड़ा हो जाता जे कोई किसी थान के उत्ते कोई झंडा लहरा जाता है। तो इस मसले के पंजाब के नौजवानों के भविख में देखते हुए सरकार को जो फैसला गा वह लेना चाहिए। इस तरीके दे नाल जो नौजवानों की फड़ो फड़ी का सिलसिला शुरू होया, ये कितने पंजाब के नौजवानों को होर पासे ना ले जाए। बिल्कुल। दूसरी गल ये कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जो पिछले दिनों बयान दागे जे उन्हें कुछ लालच भी दिता, वो तो पंजाब के नौजवान जो पहले ही बेरोजगारी का गरीबी का सामना कर रहे हैं, उन्होंने कितने ना कि लालच बस ये झंडे लहराने का जो सिलसिला गा वो शुरू होया। तो इस मसले के सरकार जी सख्ती वरत रही है, उन्होंने इस तरीके वरतन की बजाय इस तरीके चलना चाहिए कि पंजाब की जवानी है जी वो कितने कराहे ना पवे।